हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन हरोली विधानसभा में दोनों दलों के जिला परिषद समर्थित उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। हरोली विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवारों ने हिमाचल उद्योग निगम के उपाध्यक्ष की मौजूदगी में अपने अपने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान बीजेपी ने राज्य और केंद्र की जनहित नीतियों को अपना प्रमुख मुद्दा बताया, जबकि उम्मीदवार की छवि और स्थानीय मुद्दों को भी तरजीह दिए जाने की बात कही। चुनाव लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और जब किसी पार्टी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी की सरकार ने जो काम किए होते हैं वो भी प्रदर्शित इन चुनावों के परिणामों से होते हैं। उन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से हरोली के प्रत्येक वर्ग का विकास हुआ है, हरोली के प्रत्येक गांव प्रत्येक क्षेत्र का विकास हुआ है, उससे हरोली की जनता इन आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थित प्रत्याशी होंगे उनका साथ देगी। और हालांकि ये चुनाव किसी झंडे या निशान पर नहीं लड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के ध्यान में रहता है कि ये प्रत्याशी किस पार्टी का है, ये दूसरा प्रत्याशी किस पार्टी का। यहाँ तक जिला परिषद की बात है, यहाँ तक सीधे सीधे मैं ये मानता हूँ कि वहीं कांग्रेस की तरफ से जिला परिषद उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। कांग्रेस ने इन चुनावों में किसान बिल के जरिए किसानों से खिलवाड़ और केंद्र द्वारा व्यापारियों से खिलवाड़ को अपना प्रमुख मुद्दा बताया। कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का दावा किया। देखिए, मुझे भारी संख्या में जो है समर्थन मिल रहा है और मेरी जीत निश्चित है। भारी बहुमत से मैं जीतने जा रही हूँ। देखिए, किसानों का तो आपको पता ही है, इस जो बीजेपी पार्टी, इन्होंने कभी विकास किया ही नहीं है, वो तो सबको मालूम है। तो जो किसान बिल की बात है, इससे जो है देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारी ठंड में जो किसान वहाँ पे है तो इससे ज़्यादा नुकसान है। स्थानीय अगर मुद्दों की बात करें, स्थानीय मुद्दे किस प्रकार से ले रहे हैं आप? देखिए, हमने तो काम किया है, काम करेंगे, यही हमारा नारा है।